सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। भाई बहुत तेज धूप है भाई, छाया में के बात करते हैं। हाँ भाई वेलकम हो गया। आज हम जा रहे हैं उबर की वीडियो बनाने, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे कि भाई आपने उबर की वीडियो बनाना बंद कर दी है। और इसके ना दो तीन रीज़न है। पहली बात तो बंदे पूछते हैं भाई आपकी जॉब प्राइमरी जॉब है कि सेकेंडरी जॉब है। तो भाई मैंने आज तक पर्सनली किसी को उबर करने का रिकमेंड नहीं किया एज द फर्स्ट जॉब। तो मेरी भी भाई सेकेंड या थर्ड जॉब है। अब तो आई थिंक मैं ज़्यादा करता भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं प्राइमरी जॉब इज़ कि मैं बारटेंडर हूँ। मैं 2 या 2.5 साल से बारटेंडर ही कर रहा हूँ, वही मेरा काम रहता है वीकेंड पे। उसके बाद मैंने रिसेंटली ट्रक का काम स्टार्ट किया, तो ट्रक का काम इज ऑल्सो गोइंग रियली वेल। फिर भी अगर कभी कैश की दिक्कत होती है तो भाई मैं फिर उबर पे निकल जाता हूँ, जैसे आज। हमें तो अब बात कर लेते हैं कि उबर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि फ्राइडे, आज फ्राइडे को भाई धंधा काफ़ी अच्छा होता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ जिस मर्जी टाइम पर निकल जाओ, सिटी की तरफ जाओगे आपको यू नो ट्रिप्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी अच्छी खासी ट्रिप्स मिल जाएंगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास प्रमोशन आया हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे 2 मिनट के अंदर। या तो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, एक प्रमोशन आया था कि $1,30,000 मिल जाएंगे। तो आज बिल्कुल सिमिलर प्रमोशन है हमारे पास कि अगर हम एक ट्रिप कर ले तो 30 मिल जाएंगे, और 5 करेंगे तो शायद 20 और मिल जाएंगे, और अगर हम 16 ट्रिप कर लेते हैं आज तो हमें आई थिंक कुछ अराउंड $80 का बूस्ट मिल जाएगा, विच इज़ रीजनेबली गुड। क्योंकि अगर मैं आज कुछ और काम करता तो प्रमोशन और फेयर मिला के मैं उससे कम ही कमाता। तो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स डू उबर। एंड वेदर फोरकास्ट की बात करें तो भाई आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। पर्थ में समर आ चुकी है फुल फ्लेज्ड, बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता। इवन दो ना थोड़े दिन पहले एक ना वो आया था, नोटिस आया था कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत बारिश होने वाली है। एंड मेरे जो फ्रेंड्स मेलबर्न रहते हैं वहाँ पे भी काफ़ी बारिश हो रही है, बट भाई यहाँ पे उल्टा है बिल्कुल। टुडे इज़ 30 degrees। अभी क्या टाइम हुआ है? हाँ भाई कुछ 4:30 हो रहे हैं अभी, एंड इट्स रियली हॉट। और ऊपर देख सकते हो तुम, एक भी बादल नहीं है भाई। मतलब समर आती है, ग्रेजुअल फेजेस में आती है, बट भाई इस बार तो मतलब ये था कि 2-3 दिन पहले बारिश हो रही है, अगले दिन सीधा 25 डिग्री, उसके बाद सीधा 29 डिग्री, और आज तो 30 टच हो गया। तो आई एम प्रीटी कन्विंस कि दिस समर इज़ हियर एंड इट्स हियर टू स्टे। तो समर में क्या होता है कि भाई उबर का काम काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं घर में खाना मंगाना। लाइक अभी नहीं, बट जैसे 1-2 महीने बीत जाएंगे, प्रॉपर समर आ जाएगी, उबर का काम इज़ ऑलवेज गोइंग टू गो अप। प्लस आज फ्राइडे है, प्रमोशंस भी हैं, सो लेट्स सी हाउ द डे गोज़। मेरा टारगेट ये है कि मेरे को 16 ट्रिप पूरी करनी है तो प्रमोशन मिल जाएगा, एंड उसके बाद जो अलग फेयर होगा दैट ऑल्सो इज़ अ हेल्प। बट उबर भाई हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हमें जाना JB Hi-Fi, क्योंकि मेरे को वहाँ से लेना है एक मैग सेफ फ़ोन होल्डर जो ये लोग गाड़ी में लगाते हैं। एंड आई नो तुम मानोगे नहीं, बट 2.5 साल से मैंने अपना फ़ोन हमेशा अपनी गोदी में रखता हूँ या फिर साइड वाली सीट पर रखता हूँ, मैंने आज तक कभी फ़ोन होल्डर नहीं लिया। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट आई यूज़ इट नाउ, क्योंकि उबर में तो चलो काम आएगा आएगा, इन जनरल भी भाई देखो सारी सड़कें ना बंदे को याद नहीं होती। तो इट्स बेटर दैट यू हैव समथिंग टू नेविगेट ऑन, और उसको बार बार देख भी सकते हो। एंड रिसेंटली WA में बहुत सारे ना चलान हुए हैं फॉर यूजिंग योर फोर व्हाइल ड्राइविंग। तो मैं ऑलरेडी बहुत पैसे दे चुका हूँ फाइंस पे, मैं एक और उसका शिकार नहीं होने चाहता। सो दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई आई वांट टू गेट इट। हमारा नाश्ता हो चुका है, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो मेरा इंस्टाग्राम, क्योंकि यूट्यूब पे तो देखो वीडियोस डालते हैं, बट जो क्विक अपडेट्स होते हैं ना, क्विक फायर अपडेट्स, वो मैं डालता हूँ इंस्टाग्राम पे। एंड जो लोग पर्थ आ चुके हैं ऑलरेडी, या फिर जो पर्थ आने का प्लान कर रहे हैं, एंड यू वांट टू सी प्लेसेस टू एक्सप्लोर, जो हिडन जेम्स होते हैं जो तुम्हें सिर्फ मैं बता पाऊंगा, क्योंकि लाइक जो भी पर्थ में रह रहा होगा वो बता पाएगा, बिकॉज गूगल पर तुम सर्च करोगे 3-4-5 जगहें मिल जाएंगी, फेमस जगहें। बट दैट्स नॉट वॉट WA इज ऑल अबाउट। WA इज अबाउट विल्डरनेस, इट इज अबाउट अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। तो इंस्टाग्राम पर मैं बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करता रहता हूँ इन चीज़ों को। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। और भाई वीडियो चालू करते हैं। तो हमने कल लॉन्ड्री की थी, कल लॉन्ड्री में हम ले जाने भूल गए थे अपनी सॉक्स, तो भाई सॉक्स सारी गंदी पड़ी हैं। तो आज हम जाएंगे सिर्फ चप्पल में, कोई नहीं भाई उबर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। हाँ तो भाई मैग सेफ कार चार्जर लेने जाना है हमें, JB Hi-Fi जो बिल्कुल इसी रोड पर आगे जाके है, वहाँ चलते हैं, सामान लेते हैं और फिर डायरेक्ट उबर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देखो आज हमारे पास टाइम काफ़ी है, 15-16 ट्रिप करनी है, इट्स नॉट अ बिग डील। क्या पता देखो आज ना भी हो, बड़ी बात नहीं है, बट हम थोड़ा लाइट लेंगे स्टार्टिंग के 1 घंटा कम से कम। उसके बाद सिटी जाएंगे जहाँ पे हमें ट्रिप्स ना धड़ाधड़ मिलेंगी। तो बाकी आज फ्राइडे है, काफ़ी टाइम से मैंने फ्राइडे स्टार्ट नहीं किया है, नहीं पता उबर का ट्रेंड क्या है, तो बट बाकी देखते हैं आगे। तो भाई मजाक से हट के मैंने कल बिल्कुल इसी स्पॉट पे एक मकड़ी मारी थी, ठीक है, मुझे लगा था वो हिस्ट्री हो गई है, बट भाई यहाँ पे तो पूरा मतलब घर बसा हुआ है उसका। तो भाई ये थोड़ा देख के चलना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे भाई वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, भाई ये आइटम ना बहुत मिलते हैं। तो भाई अपने जूते चप्पल भी जब पहनो तो भाई देख के पहना करो, अंदर कुछ है कि नहीं है।
JBF आने का एक रीज़न और ये भी है कि भाई हमारे पास एक JBF का गिफ्ट कार्ड पड़ा हुआ है जिसमें आई थिंक $50 हैं। कार्ड कैसे आया, कैसे मिलेगा, ये कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बट आई एम होपिंग कि आज हमें यू नो इसी प्राइस के अंदर अपना कार्ड ज़्यादा मिल जाए और फिर हम ऊबर चालू करें। तो भाई हमने उठा लिया ये जर्नी का मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग कार माउंट। ये इस पर रेट है 59, बट हमें पड़ा है सिर्फ $9 का, क्योंकि $50 हमारे गिफ्ट कार्ड में थे, तो बाकी खोला जाए इसे अंदर बैठ के। तो भाई छोटी सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं गाड़ी में बैठे बैठे ही। खोलते ही है यूज़र मैनुअल। ऑल राइट, ये भाई काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, जैसा तो मैं पहले भी इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई हुई है मैंने। आई थिंक इसके ऊपर ये कनेक्ट होगा और ये लग जाएगा हमारे एसी वेंट के अंदर। ठीक है भाई, टू लाइट वेट है, टू लाइट वेट। और ये मैंने स्पेसिफिकली ये क्यों लिया, इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ, तो मैं दो मिनट दो ज़रा। तो भाई बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर हमारा भाई इंस्टॉल भी हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लीक फिनिश है इसकी। और हाँ, मैंने मैग सेफ क्यों लिया, क्योंकि जो बाकी आते हैं जिनमें यहाँ पर साइड में क्लिप होता है, वो होते हैं टू हैंडेड ऑपरेशन। ठीक है, आप एक हाथ से फ़ोन निकाल नहीं सकते, आप एक हाथ से फ़ोन लगा नहीं सकते। तो अगर आप ऊबर कर रहे हो तो भाई बेस्ट क्या है कि ये वायर यहाँ पर होती है, आपका फ़ोन सामने आ जाएगा, वायर लग जाएगी यहाँ पर, नेविगेशन भी हो रही है, चार्जिंग भी हो रही है, और मतलब और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो ये मेरी लाइफ आज के लिए बहुत आसान करने वाला है। तो हमने अपना डिवाइस सेटअप कर लिया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यहाँ पर लगा हुआ। अब हम सीधा ऊबर स्टार्ट करेंगे और अभी हम सिटी से आई थिंक 20 मिनट्स दूर हैं। आई स्टार्ट माई ऊबर हियर, रास्ते में जो ट्रिप आएगी हम करते चलेंगे। तो भाई पहली ट्रिप हमें बिल्कुल JBF से निकलते ही आ गए, विच इज़ मैकडोनल्ड, जो कि बिल्कुल हमारे सामने है। तो ये ट्रिप हमारे को आई है सिर्फ $7.22 की, बट क्योंकि हमारे पास प्रमोशन था जिससे हमें एक ट्रिप करके 30 मिल जाएंगे, तो इन शॉर्ट ये ट्रिप करके हमारे हो जाएंगे 30 + 7.22, विच इज़ 37.22 अगर मेरी मैथ सही है। तो फटाफट इसको उठाते हैं और ट्रिप चटकाते हैं। तो भाई पहला पिकअप हो गया है, काफ़ी ज़्यादा भारी सामान मंगाया इस भाई ने। ये रही हमारी प्यारी गाड़ी। भाई मैकडोनल्ड से जब भी खाना उठाओ ना, एक तो वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बट उससे क्या होता है कि पूरा जो फ्रेगरेंस है ना गाड़ी में, पूरी मतलब फ्राइज और बर्गर की फ्रेगरेंस आ जाती है। तो ऐसे में फिर खुद भी मन करते हैं कि हम भी ले ही लेते हैं। तो खर्चा बहुत होता है ऊबर करते करते, इवन दो फ्यूल पानी ये सब तो खर्चा होता ही है, बट क्योंकि अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाहर रहोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं खाना भी खाना पड़ेगा। तो खाने का खर्चा भी माइंड में लेके चलना कि $20-25 फॉर एवरी 5-6 आवर्स तो तुम्हारे जाएंगे। तो भाई इसके डब्बे में एक चीज़ और थी जो मेरे से मिस हो गई थी, जो कि ये वायर है। मुझे लगा था कि हमें अपनी वायर ही लगानी पड़ेगी इस पर, ये सिर्फ एक चार्जिंग स्टेशन है, बट एक्चुअली मैं वायरलेस चार्ज भी करता भाई। तो ये जो ये वायर यहाँ पड़ी है इसको लगा देंगे हम इसके अंदर। तो अब से क्या होगा, जब भी ट्रिप पे जाओ यहाँ से फ़ोन खींचो, और जब ट्रिप से आओ तो वापस फ़ोन यहाँ लगा दो, चार्ज भी होता रहेगा साथ साथ। सो भाई सेकेंड ट्रिप भी हमें मैकडोनल्ड्स के, जो कि बिल्कुल मेरे पीछे है इस समय, और वो सामने उसका एम साइन भी देख सकते हो तुम। तो जो पिछला ऑर्डर उठाया था वो था मैकडोनल्ड्स ईस्ट विक्टोरिया पार्क, दिस इज मैकडोनल्ड्स साउथ पर्थ, जो कि पर्थ के साउथ में है एज द नेम सजेस्ट। तो सेकंड ऑर्डर उठाते हैं और चालू करते हैं। सेकंड पिकअप इज ऑल्सो हियर। बाकी भाई धूप देख रहे हो, ऑरेंज हो चुके, मतलब काफ़ी स्लांटिंग है धूप, बट स्टिल भाई काफ़ी गर्मी है धूप में इस समय भी। दिल्ली की वाइब दे रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है पोल्यूशन में से धूप निकलती आ रही है, बट पोल्यूशन नहीं है, कुछ और है, ये बादल बुदल होंगे, आग वग लग गई होगी कहीं। सो सेकंड ऑर्डर भी मैंने जस्ट अभी ड्रॉप किया है वो पीछे वाले घर में। भाई काफ़ी लैविश घर था उनका, ठीक है, मज़ा आ गया देख के। बाकी अब चलते हैं दोबारा सिटी की ओर। तो इस ट्रिप के हमें मिले $6.77, क्योंकि ये विद इन भाई 900 मीटर की ट्रिप थी, सिर्फ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट इसमें ये दिक्कत हुई है कि हम थोड़ा और साउथ में आ गए, हम जाना चाह रहे थे सिटी की तरफ, तो कैनिंग हाईवे पकड़ के दोबारा हम सिटी की तरफ जाते हैं। एंड वैसे हमें कोई इतना हार्म नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ट्रिप्स करनी है, इरिस्पेक्टिव ट्रिप्स जहाँ मर्जी की मिले, ठीक है। अभी पीक आवर स्टार्ट नहीं हुए हैं, पीक आवर आई थिंक इवन द फ्राइडे, आज काफ़ी बिजी रहेगा रात भर, बट पीक आवर्स आर गोना स्टार्ट फ्रॉम 7 o'clock ऑनवर्ड्स। तो उस टाइम सिटी में होना बहुत जरूरी है हमारा, विच आई एम प्रीटी श्योर हम तब तक सिटी में पहुँच जाएंगे ट्रिप ट्रूप कर करके। आते भाई जनता देख लो कितनी है, वहाँ पे साइकिलिस्ट भी हैं, बंदे भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, हमारे सामने भी बंदे हैं, हमारे सामने गाड़ियाँ भी हैं, मतलब टू बिजी भाई, टू बिजी। अब रहते नहीं ना हम सिटी में, तो इस चीज़ की आदत नहीं है हमें। अभी फ्लो फ्लो में बताना भूल गया मैं, हमारा चौथा पिकअप भी मैंने उठा लिया। दो पिकअप आए थे एक साथ, एक सबवे से और एक चॉप चॉप बारबेक्यू, विच इज़ ऑन बैरक स्ट्रीट, जो लोग पर्थ में होंगे उनको बिल्कुल पता होगा। तो ये हमारा अभी ना बूस्ट लगना चालू हो गया,
तो टोटल ट्रिप ये है 3.3 किलोमीटर की और हमें मिल रहे हैं $10.50 जो कि मतलब बहुत ही सही है। और आई थिंक अभी टाइम हो रहा है 6:03, तो पीक आवर स्टार्ट हो गया है। अब से लेके सिटी में और सिटी के नेबरिंग सबर्ब्स में काम चलता रहेगा। बस सवाल की भी बात अपडेटेड। ट्रैफिक जाम देखो भाई, ट्रैफिक जाम दूसरी साइड पूरी ब्लॉक पड़ी है। यही दिक्कत होती है इस टाइम पे, सिटी में आना भी बहुत टफ है और भाई सिटी से जाना भी बहुत टफ है। तो भाई ये लोग वही हैं जो ऑफिस खत्म करके घर जा रहे हैं, तो भाई ऑल द बेस्ट है भाई आपको। तो भाई एक लाइफ हैक सबके लिए जो भी उबर प्लान कर रहे हैं, तुम जब भी मैप पे रास्ता डालोगे ना कोई, वो हमेशा तुम्हें मेन रोड से लेके जाएगा। बट इफ यू आर फेमिलियर टू अ नेबरहुड, ऐसी एलीज हमेशा मिलेंगे तुम्हें दो या तीन ब्लॉक्स के बीच में, तो मेक श्योर यू यूज दी एलीज। इससे क्या तुम्हारा भाई ट्रैफिक को ना तुम इतना सही बायपास कर दोगे, फटाक से डिलीवरियां भी निपटा दोगे और फटाफट तुम्हारे घर का प्रमोशन चल रही है तो प्रमोशन भी हो जाएगी। तो जैसे मैं अभी जिस एरिया में हूँ, इसका नाम है माउंट लॉली। माउंट लॉली रेजिडेंशियल एरिया है, बहुत सारे ब्लॉक्स भी यहाँ पे और बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है इनकी मेन रोड्स पे, क्योंकि पतली पतली है सारी, इसलिए यहाँ पे डिलीवरी करते टाइम भाई हमेशा मैं यूज करता हूँ एलीज, बेस्ट। तो अपने को दो पिकअप एक साथ आए हैं, एक है कोई पास्ता का ऑर्डर और एक है कोई बर्गर का ऑर्डर। तो हम माउंट लॉली में, अभी भी माउंट लॉली में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। अगर कभी तुम ऊबर पे हो और तुम्हें ट्रिप्स नहीं आ रही, आई वुड सजेस्ट कि माउंट लॉली आओ। और विलियम स्ट्रीट और वॉलकॉट स्ट्रीट के बीच में एक इंटरसेक्शन है, जस्ट वेट देयर, बिल्कुल सेंटर में नहीं, थोड़ा साइड में वेट करना एंड विल डेफिनेटली गेट सम ट्रिप्स आउट देयर। तो भाई थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है और इससे पहले मेरी शक्ल पूरी दिखने गायब हो जाए, मैं तुम्हें दो मिनट की फ्री एडवाइस देने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत काम आएगी, ठीक है आगे जाके। तो जितने लोग भी पर्थ में हैं, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा बेस्ट सबर्ब है उबर ईट्स करने के लिए, ठीक है। दो टिप्स, एक तो पहली बात तो उबर सिटी में करो जितना पॉसिबल हो। आई नो पार्किंग का इशू होता है, टाइम कम हो, टाइम ज़्यादा लगता है और यू नो काफ़ी इशूज आ जाते हैं एंड ओवरऑल तुम्हारी ट्रिप एक्सटेंड हो जाती है, बट जितना बिजनेस तुम्हें सिटी में मिलेगा इतना भाई किसी सबर्ब में नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर तुम्हें स्टिल यू प्रीफर टू डू इट इन सबर्ब्स रादर देन यू नो बीइंग स्टक इन द ट्रैफिक इन द सिटी, देन टारगेट द नॉर्दर्न सबर्ब्स। अब अगर तुम साउथ ऑफ रिवर जाओगे तो अगर तुम बिल्कुल थोड़ा जस्ट साउथ में जा रहे हो, कैनिंगवेल, कैनिंगटन, साउथ पर्थ, एपल क्रॉस, इन जगहों पे बिजनेस फिर भी मिल जाएगा, बट आई वुड प्रेफर टू वर्क इन द नॉर्दर्न सबर्ब्स। नॉर्दर्न सबर्ब्स का क्या है भाई, बहुत रेस्टोरेंट्स हैं एंड सिटी से लेके जूंडलप तक जितने भी सबर्ब्स हैं ना बीच में, सब जगह बिजनेस मिल जाएगा। बट साउथ में जैसे तुम साउथ ऑफ रिवर जाओगे बिजनेस थोड़ा कम हो जाएगा, कैनिंगवेल, कैनिंगटन और कौन सा सबर्ब आता है, आर्मरडेल, अगर इस साइड जाओगे तो भाई बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो माय पर्सनल टिप्स, सिटी में करो जितना पॉसिबल हो, सिटी में नहीं पॉसिबल है तो टारगेट द नॉर्दर्न सबर्ब्स। थैंक मी लेटर। तो भाई हम दो मिनट फ्यूल स्टेशन पर रुके थे, नॉट फॉर फ्यूल बट फॉर सम कॉफी, क्योंकि जो भी अच्छे अच्छे कॉफी शॉप्स होती हैं भाई वो आई थिंक दोपहर में 3:30-4 बजे तक बंद हो जाती हैं। एंड अनपॉपुलर ओपिनियन, मेरे को मैकडोनल्ड्स की कॉफी भाई बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, सो डील विद इट। तो वे वक्त आ गया क्विक फायर अपडेट देने का, ठीक है। बहुत तेज लाइट पड़ रही है मुंह पे। तो हमें 7 ट्रिप कर लिए हमने और हमारे हो चुके हैं $106, ठीक है। तो टाइम मैंने एग्जैक्ट नोट नहीं किया, वो वीडियो कट में डिस्कस कर लेंगे कि कितना टाइम में हमने कितनी ट्रिप्स की और कितना हमारे पैसे हुए हैं। तो हमारा 8th और 9th पिकअप जो था वो था एक ही रेस्टोरेंट से, उसका नाम था, तो फनी नाम था 1010 किचन, ठीक है। मेरे घर के पास ही है बट मैंने आज तक कभी नोटिस नहीं किया था। तो 1010 किचन से हमने अपना दो ऑर्डर उठाए, इस दो ऑर्डर को करने के हमें मिलेंगे $17। तो हमारे 105 थे, 105 प्लस 17 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें 6 ट्रिप और करनी पड़ेंगी तीसरे प्रमोशन में अवेल करने के लिए, जिसका हमें 80 बोनस और मिल जाएगा। तो मेरा टारगेट रहेगा अराउंड 250, जैसे टच हो जाए हम घर निकल जाएंगे, बट यू नो अगर ट्रिप्स आती रहे तो हम और भी करते रहेंगे। सवाल की पुकार अपडेटेड। भाई शाम के 8 बज रहे हैं और बंदे देखना ग्रोसरी मंगा रहे हैं इस समय, वेरी नाइस। तो भाई रात को भी इवन दो, अब तो ट्रैफिक एकदम है नहीं बाहर की स्ट्रीट्स पे, एक बार आदत पड़ जाती है ना एलीज यूज़ करने की, तो भाई फिर तुम एलीज यूज़ करते रहते हो, सो मैं भी एलीज यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई हमने अभी अपना जस्ट 10th ड्रॉप किया है और हमारे 10 ट्रिप में हो चुके हैं $133, ठीक है। तो तुम डिवाइड कर लो, उतनी एवरेज चलती है अभी हमारी पर ट्रिप की, बाकी आगे देखते हैं कितना धंधा और बचता है। तो भाई मैं बिल्कुल घर आ गया उस समय, ठीक है। बाकी बंदे भी ऊबर बॉय सारे घर पे आ गए। खाना मैं अपने साथ लाया था, अभी अंदर जाके तुम्हें बताता हूँ कि कितने घंटे हमने काम किया, कितने हमारे ट्रिप्स हुए और कितने हमारे पैसे हो गए, ठीक है, जिसके लिए तुमने वीडियो देखी है। सो लेट्स गो इनसाइड। तो भाई बेड पे आकर जो सुकून मिलता है ना, मतलब इतने काम करने के बाद, वो अलग ही है, ठीक है।
तो बात कर लेते हैं आज का पूरा सीन क्या था। ऊबर पे गए थे हमने, जो टोटल टाइम काम किया वो है 3.5 आवर्स। एक्चुअल टाइम एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा था, बट क्योंकि हम लोग 3-4 बार रुके थे, मैंने 2 बार ड्रिंक्स ले रुका था, एक बार अपना डिनर टेक अवे लेने रुका था, और बीच में एक फ्रेंड मिल गया था, तो सब कटा पिटा के 3.5 आवर्स एवरेज मैंने काम किया है, जिसमें हमारे हो गए $166, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के सामने होगा। तो अगर आप 166 को 3.5 से डिवाइड करो, जो मैंने अभी किया था, वो अमाउंट बनता है 47 point something something, सो विच इज़ मोर और लेस नियरली $50 पर आवर। ठीक है, तो ये जो है ये हर बार नहीं होगा, कभी कभी जब प्रमोशन आती है मोस्टली तभी होगा, वरना आपके नॉर्मल एवरेज अगर जाएगी, सिर्फ फेयर की बात करूँ मैं, तो विच विल वेरी बिटवीन $25 to $32 लेके चलो पीक आवर में हम काम करते। ठीक है, अब हो सकता है 32 को 35 हो जाए, 37 हो जाए, डिपेंडिंग की बिजी कितना है और ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। तो भाई यही थी आज की वीडियो, होप यू गाइस लाइक इट। मैं सीधा बेड पर सोने जाऊँगा, क्योंकि कल मेरे को सुबह दोबारा से 5:30 बजे उठना है, एंड आई नीड टू बी टोटली रिफ्रेश्ड फॉर दैट। ट्रक वाला काम पे जाएंगे। तो भाई अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर लीव अ लाइक, ड्रॉप डाउन अ थॉट्स, कमेंट कर देना भाई अगर कुछ नया कंटेंट चाहिए हो तो, और ऊबर की वीडियो चाहिए तो मेरे को डेफिनेटली बताना, बिकॉज आई नो काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं ऊबर, उनकी अभी यू नो जब आपको कोई जॉब नहीं मिलती तो लोग ऊबर प्रेफर करते हैं, दैट इज़ नो हार्म इन दैट, ऊबर करनी चाहिए, ऊबर इज़ अ गुड जॉब, इट कैन पे यू वेल। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन, और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में।